कभी भी गर्दन का दर्द हो तो आप प्लीज पेन किलर बिल्कुल ना लीजिए। पेन किलर लेने से जो है फर्दर आपको और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं, जैसे कि जो अपनी थोड़ी जो है हम छाती के साथ नहीं लगा पाते हैं। अगर आपको लगातार एक ही कुर्सी पर बैठकर काम करना पड़ता है तो आप बीच में 5-10 मिनट का रेस्ट जरूर लीजिए और अपने आप को जो है थोड़ा एक्टिव जरूर रखिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना, डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा लुधियाना। आज मैं आप सबके साथ सर्वाइकल पेन के बारे में डिस्कस करूंगी। अक्सर कई लोग जो है सर्वाइकल के दर्द को नॉर्मल गर्दन के दर्द के साथ कंपेयर करते हैं और घर में ही जो है एक्सरसाइज योगा करना शुरू कर देते हैं, जो कि उनको काफी दिन तक आराम भी रहता है, लेकिन उसके बाद ये प्रॉब्लम जो है दोबारा बढ़नी शुरू हो जाती है। तो सर्वाइकल के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि सर्वाइकल किन किन कारणों से होता है, क्या क्या सिम्टम इसमें देखने को मिलते हैं और क्या होम रेमेडीज करके जो है हम अपने सर्वाइकल के दर्द में कंट्रोल पा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि सर्वाइकल क्या है। सर्वाइकल डिस्क हड्डियों के बीच में होने वाले दर्द को कहते हैं। हमारी जो गर्दन की हड्डियां हैं, जो लिगामेंट्स हैं, जो मसल्स हैं, वो हमारे सिर का समर्थन करती हैं और गति को सामान्य बनाए रखती हैं। गर्दन में किसी भी तरह कोई चोट लगने के कारण या कोई स्वेलिंग जैसे हो जाए उसके कारण जो है गर्दन में तकलीफ रहनी शुरू हो जाती है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल जो है लाइफस्टाइल जो है बहुत ज्यादा बिजी हो चुका है, शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी हो चुका है, जिसके कारण जो है अपनी बॉडी को जो है हमें आराम करने का टाइम नहीं मिलता है और ज्यादा जो है हमें वर्कआउट जो है नहीं करने को मिलता है, तो हमारे जो है उसके कारण जो है हमारे ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम रहनी शुरू हो गई है। ज्यादा देर लैपटॉप यूज करने के कारण या मोबाइल पे ज्यादा देर बात करने के कारण जो है हमारे गर्दन में तकलीफ रहनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो हमारी गर्दन पे दबाव पड़ता है उसके कारण जो है हल्का हल्का हमें हमारी गर्दन में कंधों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो हमारी जो गर्दन की हड्डी होती है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली हड्डियों में से एक होती है, जो हमारे सिर के भार को भी संभालती है। तो गर्दन में चोट लगना जो होता है बहुत इजीली होता है, और जब चोट लगती है तो गर्दन जो है ज्यादा मुड़ जाती है, उसके कारण ये तकलीफ रहनी शुरू हो जाती है। अब मैं आपसे कारण के बारे में डिस्कस करती हूँ कि सर्वाइकल किन किन कारणों से होता है। तो सबसे मेन कारण जो है चोट लगना ही होता है। जब किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए उसमें क्या होता है, गर्दन जो है जरूरत से ज्यादा मुड़ जाती है, जिसके कारण जो है हमारी गर्दन की जो मसल्स होती हैं उनमें तकलीफ रहनी शुरू हो जाती है, स्वेलिंग रहनी शुरू हो जाती है या फिर गर्दन में स्टिफनेस रहनी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ हमारी गर्दन में जब डीजनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं, जो हमारे ज्वाइंट्स के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है जब वो खत्म हो जाता है, सूख जाता है, तो उसके कारण भी जो है गर्दन में तकलीफ रहनी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ गलत पोजीशन में बैठने के कारण या गलत पोजीशन में लेटने के कारण भी जो है गर्दन में तकलीफ शुरू हो जाती है। साथ ही साथ बहुत देर तक अगर लगातार आपके गर्दन में मोच रह रही है या फिर अचानक से आपको मोच आ जाती है तो उसमें भी जो है गर्दन में तकलीफ रहती है। ज्यादा लैपटॉप यूज करने के कारण मोबाइल जो है कई लोग गर्दन और कंधों के बीच में फंसा लेते हैं, उसके कारण भी जो है काफी तकलीफ गर्दन में होनी शुरू हो जाती है। ज्यादा स्ट्रेस देने के कारण भी ये तकलीफ हो जाती है, और ज्यादा मोटा तकिया इस्तेमाल करने के कारण भी जो है सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं कि क्या क्या सिम्टम जो है सर्वाइकल में देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहला सिम्टम जो होता है गर्दन में दर्द होना। साथ ही साथ जो हमारी गर्दन की मांसपेशियां होती हैं उसमें अकड़न रहनी शुरू हो जाती है। कई पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि मेरे कंधों में बहुत ज्यादा दर्द होता है या जब मैं जमीन पर बैठ के खड़ा होता हूं तो मेरे जो है आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, तो चक्कर आना जैसे सिम्टम भी होते हैं। साथ ही साथ पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरी हाथों में जो है बहुत ज़रा दर्द हो रहा है, मेरे हाथ जो है सुन्न है, मुझे उल्टी जैसा मन हो रहा है, तो ये सिम्टम भी सर्वाइकल पेन में दिखने को मिलते हैं। और एक पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, जैसे कि जो अपनी थोड़ी जो है हम छाती के साथ नहीं लगा पाते हैं, तो ये भी जो है सर्वाइकल में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कई जो लोग होते हैं जिनको सर्वाइकल की तकलीफ होती है उनकी गर्दन पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है, तो स्वेलिंग जो होना है ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है। अगर मैं बात करूं इन्वेस्टिगेशंस की, अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आप जो है अपनी गर्दन का एक एक्सरे जरूर करवाइए, साथ के साथ जो है आप एमआरआई भी करवा सकते हैं, क्योंकि जो हमारी दिक्कत है, जो लिगामेंट्स की कोई प्रॉब्लम है या फिर हमें सर्वाइकल डिस्क जो हमारी हड्डियों की दिक्कत है, तो वो हमें एमआरआई में डिटेक्ट हो जाती है। इसके साथ साथ जो है मैं कुछ आपको प्रिवेंशंस बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर आपको कभी भी गर्दन का दर्द हो तो आप प्लीज पेन किलर बिल्कुल ना लीजिए। पेन किलर लेने से जो है फर्दर आपको और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और ज्यादा देर लगातार एक ही पोजीशन में आप ना बैठें और ज्यादा देर एक ही पोजीशन में आप खड़े ना रहें। इसके अलावा जो है आप ज्यादा स्ट्रेस बिल्कुल ना लें और अपना जो है मूवमेंट जरूर करें। जब भी आपको टाइम मिले आप अपनी गर्दन की जो है एक्सरसाइज जरूर करिए। अपनी गर्दन को एक दिशा में घुमाइए, दूसरी दिशा में घुमाइए, तो ऐसी एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको लगातार एक ही कुर्सी पर बैठकर काम करना पड़ता है तो आप बीच में 5-10 मिनट का रेस्ट जरूर लीजिए और अपने आप को जो है थोड़ा एक्टिव जरूर रखिए।
इसके साथ साथ अगर मैं होम रेमेडीज की आपको बात बताऊं तो होम रेमेडीज के लिए जो है आप सिकाई अपनी गर्दन पे जरूर कीजिए। आप एक टॉवल लेकर उसको पानी में डुबोकर निचोड़कर अच्छा सा एक मोटा पैड बनाकर अपनी गर्दन की सिकाई जरूर कीजिए, उससे जो है आपको स्वेलिंग में बहुत ज्यादा आराम रहेगा। इसके साथ साथ जो है अगर आप दूध का सेवन करते हैं तो आप जो है हल्दी वाले दूध का अगर सेवन करेंगे तो आपकी स्वेलिंग भी कम रहेगी और आपको जो है पेन भी कम रहेगा। इसके साथ साथ आप अदरक के पानी का भी सेवन कर सकते हैं। अदरक का पानी भी जो है एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लामेटरी रोल प्ले करता है, तो उसमें भी जो है आपकी स्वेलिंग और पेन कम रहेगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रहती है तो आप हमारे से फोन पे बात कर सकते हैं, और हमारे 4 ब्रांचेज हैं मोहाली, मुक्सर, बठिंडा, लुधियाना में। आप जब मर्जी चाहे हमारे हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं और अपने सर्वाइकल के दर्द का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हैं। नमस्कार।